वहीं दूसरी ओर कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के पदाधिकारियों ने गौरव पथ स्थित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मंगल भवन के समीप बने यात्री प्रतीक्षालय को स्थल से हटाकर संतोषी पारा बड़ी नाली के समीप गंदगी में फेंके जाने का विरोध किया है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करने की मांग भी की गई है। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं तत्कालीन महापौर विद्यारतन भसीन के कार्यकाल में कई स्थानों में बरसात और धूप से लोगों को राहत देने यात्री प्रतीक्षालय बनाए गए थे। उनमें से एक कैंप 2 संतोषी पारा वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर सर्व समाज मंगल भवन के समीप भी एक यात्री प्रतीक्षालय निर्मित हुआ था। अब इस यात्री प्रतीक्षालय को संतोषी पारा बड़े नाले के पास गंदगी में फेंक दिया गया है। यात्री प्रतीक्षालय को शुक्रों ने अपना ठिकाना बना लिया है। इस संबंध में कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन सील ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर यात्री प्रतीक्षालय को फिर से पूर्व के स्थान पर रखे जाने की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। इस संबंध में सुमन सील ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भिलाई नगर निगम द्वारा किस तरह से सरकारी रुपयों को बर्बादी कर रहे हैं और वही किस तरह से बस स्टॉप प्रतीक्षालय को बनाकर एक जर्जर अवस्था में रखने के अलावा जिस दुर्दशा में रखा गया है, जिससे भिलाई शहर की छीछा लेदर हो रहा है, उसकी एक घटना आप संतोषी पारा कैंप 2 वार्ड क्रमांक वर्तमान में 33, पूर्व में वार्ड क्रमांक 25 था, जो कि हमारे वर्तमान लाइव के वैशाली नगर विधायक एवं पूर्व महापौर विद्या रतन भसीन जी के महापौर निधि से बनाया गया था। यहाँ जो बस स्टॉप प्रतीक्षालय है, यह सब अभी जो वर्तमान में भीमराव अंबेडकर जी के जो मंगल भवन है उसके सामने था, उसे भिलाई नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा संतोषी पाड़ा बड़ी नाला के कचड़े में उसे फेंक कर सोरों के लिए ऐसे ऐसे जानवर जिसमें कि जो वहां आज प्रतीक्षालय में यात्रियों के रहने के बजाय ऐसे जानवर रह रहे हैं जिससे कि उसकी दुर्दशा को देख सकते हैं। और ऐसी ही प्रतीक्षालय में जिस प्रकार का रुपयों की बर्बादी की जा रही है, आज पावर हाउस बस स्टैंड जो भिलाई का एकमात्र बस स्टैंड है उसे डेवलप करने के बजाय उस स्थल पर बसों को खड़े कर विभिन्न स्थलों पर रवाना करने के बजाय आज उस बस स्टैंड के भी वो भी बंद करने की कगार पर खड़ा है। जबकि आज वर्तमान में ये जो प्रतीक्षालय है, इससे देख सकते हैं कि किस प्रकार से भिलाई नगर निगम के द्वारा जनता के रुपये को बर्बादी कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में ऐसे ही प्रतीक्षालयों में AC जैसे प्रतीक्षालय बस स्टॉप बनाया जाएगा, जो कि पुनः एक बार जनता के रुपयों की बर्बादी की जाएगी, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके संबंध में मेरे द्वारा स्वयं एक लिखित शिकायत भिलाई नगर निगम आयुक्त को दिया गया है, क्योंकि यहाँ सरकारी रुपयों का दुरुपयोग करने के साथ साथ जनता के रुपयों की भी बर्बादी है। और साथ ही जिस तरह से आज एक विधायक और महापौर का अपमान करने के साथ साथ जो रुपये की बर्बादी यहाँ पे की गई है, उसकी हर्जाना स्थानीय जोन आयुक्त से लिया जाए और उनके ऊपर अपराध दर्ज किया जाए। पारा संगठन ने अपनी मांग से निगम आयुक्त को अवगत करा दिया है। देखना होगा आगे इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।